जंगल राज बनाने वालों के साथी उनके करीबी चाहते क्या चाहते आपको पता है? वो चाहते हैं आप भारत माता की जय के नारे न लगाएं। सोचिए, हमारा देश, हमारी भारत माता, लेकिन ऐसे भी लोग हमारे सामने हैं जो भारत मां की जय बोलने से इनको बुखार आ जाता है। नरेंद्र मोदी। बिहार में अपने तीसरे दौर की चुनाव रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर जंगल राज की यादें लौटा लाए। जंगल राज के खिलाफ अपने चुनावी नारे में उन्होंने राष्ट्रवाद का तड़का भी लगा दिया। छठी मैया को पूजने वाली इस धरती पर जंगल राज के साथी चाहते हैं कि भारत मां की जय के नारे ना लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी लगभग हर रैली में 15 साल पहले के जंगल राज का कार्ड चला है। बिना नाम लिए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को जंगल राज का युवराज कहा है। आज बिहार में परिवारवाद हार रहा है, जनतंत्र फिर से जीत रहा है। आज बिहार में रंगबाजी और रंगदारी हार रही है, विकास फिर से जीत रहा है। आज बिहार में अहंकार हार रहा है और परिश्रम फिर से जीत रहा है। आज बिहार में घोटाला हार रहा है और लोगों का हक फिर से जीत रहा है। आज बिहार में गुंडागर्दी हार रही है, कानून का राज वापस लाने वाले फिर जीत रहे हैं। बिहार में कैंपेनिंग की शुरुआत जब हुई थी तो तेजस्वी के 10 लाख नौकरियों के वादे ने सबसे ज्यादा जोर पकड़ा था। तेजस्वी अपने वादे पर टिके हुए हैं। वो कह रहे हैं कि इसके लिए विधायकों की सैलरी घटानी पड़ी तो घटा देंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जंगल राज को लेकर वार कर रहे हैं तो जवाब में तेजस्वी और उनके गठबंधन साथी राहुल गांधी को कहना पड़ रहा है कि ऐसी सरकार बनाएंगे जहां सबकी सुनवाई होगी, जहां आम जनता की लूट नहीं होगी। आज बिहार के लोग पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, महंगाई और सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार को चुनना चाहते हैं। बिहार का हर युवा जानता है कि नीतीश जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने मिलकर बिहार को लूटा है, बिहार के किसान को मारा है, पीटा है, कुचला है, बिहार के छोटे दुकानदारों को नष्ट किया है। और अब बिहार के युवाओं ने, बिहार के किसानों ने मन बना लिया है गठबंधन को चुनाव जिताना है और बिहार को बदलने का काम शुरू करना है। दोनों गठबंधनों की ओर से आम जनता को सुशासन का सपना दिखाया जा रहा है। वैसे बिहार 2 चरण के वोट डाल चुका है। आखिरी दौर में 7 नवंबर को 15 जिलों की 78 सीटों पर वोट पड़ेंगे। आज तक ब्यूरो।